आज हम बनाएंगे रसगुल्ला। हमने खोया ले लिया है दूध का ताजा बना करके, आधी कटोरी, एक कटोरी चीनी ले ली है, एक थाली लेंगे। इसमें हम एक चम्मच चावल का आटा लेंगे, एक चम्मच मैदा लेंगे, एक चम्मच सूजी लेंगे, खोया, चीनी, मैदा, सूजी, चावल का आटा। अब इनको हम मिक्स करेंगे। सूजी, चावल का आटा, मैदा मैंने सब इसमें मिला लिया है। इसमें हम मावा डालेंगे, खोया, खोया इसमें मिलाएंगे, फिर हम रसगुल्ला बनाएंगे। मिश्रण हमने तैयार कर लिया है, रवा, सूजी, मैदा सबको मिला के मावा को रख दिया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस जलाएंगे, कढ़ाई में पानी डालेंगे चाशनी के लिए। एक गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया है, हमारा पानी गर्म हो रहा है चाशनी के लिए। इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, इधर हमारा तेल गर्म हो रहा है, इधर हमारा पानी गर्म हो रहा है। थोड़ा सा हम गर्म पानी लेंगे, फिर आटा बनाएंगे, चीनी डाल देंगे चाशनी के लिए। हमारी चाशनी बन रही है, गरम पानी से हम आटा बनाएंगे। इधर हमारा तेल गरम हो रहा है, मेरा आटा बन गया है, ऑयल भी गरम हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सब रसगुल्लों को हमने बना बना के रख लिया है। अब इसको हम तलना शुरू करेंगे। इधर हमारी चाशनी बन गई है, हमारे रसगुल्ले पक रहे हैं। हमारे रसगुल्ले लाल हो गए, पक रहे हैं।
हमारे रसगुल्ले पक गए हैं, निकाल के चाशनी में डाल दें। जो बाकी के हैं उसको भी डाल देते हैं इसे। हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। एक काट कर हम दिखाते हैं। काट कर दिखाते हैं।